तो ये आपको बता दें कि राजस्थान के करौली में हुई हिंसा के मामले ने अब सियासी तूल पकड़ लिया है। भाजपा अब इस प्रकरण को राज्य स्तरीय नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तरीय बनाने की दिशा में कार्य करती नजर आ रही है। इसे लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री और जयपुर ग्रामीण से भाजपा सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि भाजपा अपनी रणनीति पर काम कर रही है और साथ ही प्रदेश भाजपा इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठा रही है। आपको बता दें कि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से बातचीत की A1 संवाददाता ज्योति सिंह ने। करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी नेता और सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर। सर, करौली हिंसा के मामले को लेकर आज आपने प्रेस वार्ता करी, क्या आप इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे को बनाना चाहते हैं? राजस्थान के अंदर जिस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, जिस तरह से एक तालिबान रूल वहाँ पर चलाया जा रहा है, दो त्यौहार हैं, रामनवमी भी हो रही है, रमज़ान भी हो रही है, लेकिन राजस्थान की जो सरकार है वो सभी को साथ लेकर ले चलने में बिल्कुल विश्वास नहीं रखती और उनके जो आदेश हैं वो बिल्कुल विपरीत हो रहे हैं। जहाँ जहाँ हिंदू या धर्म यात्रा निकल रही है वहाँ धारा 144 लगाई जा रही है, चाहे वो चाहे अजमेर हो, बीकानेर हो, चाहे कोटा हो। जहाँ पर मुस्लिम समुदाय है वहाँ पर इस तरह के आदेश सरकार दे रही है कि यहाँ पर बिजली की कटौती बिल्कुल नहीं हो सकती। तो ये तुष्टीकरण क्यों हो रहा है, ये अलग अलग क्यों हो रहा है? हिंसा हुई करौली के अंदर, पूरा गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री साहब के पास है कि आपको इतला नहीं थी वहाँ पर किस तरह की घटना होने वाली है, और फिर घटना होने के बाद आप ये बोलते हैं कि यहाँ जय श्री राम का नारा लगा इसलिए हिंसा हुई। ये किस तरह की सोच है? ये टोटल हिंदू विरोधी, इनके पास जनता को के पास ले जाने के लिए मुद्दे नहीं है, जन विकास करा नहीं है, केंद्र सरकार की जो योजना है उनको पूरा हड़पने की कोशिश हो रही है। जल जीवन जो पहुँच रहा है वो केंद्र सरकार मोदी जी का की योजना है, उसको पूरा हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, फीते काटने में लगे हुए हैं इनके विधायक। काम पूरा, पैसा पूरा केंद्र सरकार से आ रहा है, जितनी सड़कें बन रही हैं पैसा केंद्र सरकार से आ रहा है। हिंसा हो रही है, हिंसा की जिम्मेदार पूरे वो हैं क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी उनकी है। महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न की सबसे ज़्यादा घटनाएं राजस्थान के अंदर हैं, और ये मैं नहीं कह रहा, भाजपा का होने के नाते ये आंकड़ा नेशनल ब्यूरो का है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, 18 बेटियों के साथ हर रोज़ दरिंदगी होती है राजस्थान के अंदर, क्या ये हमारा राजस्थान? तो इनसे प्रशासन चल नहीं रहा, कुर्सी को संभाल के रखने की इनकी पूरे का पूरा लक्ष्य है। सर, आखिरी सवाल, आगे की क्या प्लानिंग रहेगी? देखिए, हमारा ये ध्येय है कि जो राजस्थान के जो मुद्दे हैं आपके माध्यम से जनता तक लेके जाएं, जनता को जागरूक करें। ये जनता इनको पूरी की पूरी तरह से सफाया करने वाली है। जिस तरह से कांग्रेस का नाम मिट गया पूरे देश में से, अब आखिरी में जो राजस्थान बचा है यहाँ पे भी कांग्रेस का सफाया होने वाला है और ये वापस कभी नहीं आएंगे। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर हमारे साथ बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौर हमसे यहाँ पर बातचीत के लिए मौजूद थे। कैमरा पर्सन रिहान के साथ ज्योति सिंह, A1 TV, दिल्ली।